दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे कहीं पे भी सेलिंग में इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे कैसे लगाते हैं, इसका तरीका क्या है, कहीं पे भी लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या सामान लगता है, ए टू जेड कंप्लीट हर स्टेप को दिखाया बताया गया है इस वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें लगाना है इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे इसके सेलिंग में यानी छत में। ये एक कपड़े का शोरूम है, आपका कोई मॉल हो सकता है या कहीं पे भी। जो लगाने का तरीका है आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसी तरह से सेलिंग में केबल ट्रे लगाया जाता है जैसे यहाँ पे ट्रे है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी हम केबल ट्रे लगाएंगे वो ड्राइंग के हिसाब से लगाएंगे। और ये एक किलर का शोरूम है तो इसके हिसाब से लगाना है, देखना रहेगा कि कहाँ पे कितने दूरी पे कौन सा केबल ट्रे है, कैसे ड्राइंग देखते हैं, इसका वीडियो पहले ही हमने बनाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केबल ट्रे है और यहाँ दीवार में पेंट हो रहा है तो दीवार से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे और केबल ट्रे लगाएंगे। जैसे सबसे पहले हम अकेले हैं, सिंपल आपको बता रहे हैं, आपके पास दो तीन आदमी हैं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे एक नील के अंदर एक धागा लिए हैं, लाइन डोरी हम कह सकते हैं, और इस तरह से एक साइड कील हम लगा दिए और दूसरे साइड पकड़ के बीच में ऐसे खींचेंगे और इस तरह से मार देंगे। तो ये हमारा मार्किंग है, यानी जो हमें केबल ट्रे के लिए होल करना है उसके लिए मार्किंग कर रहे हैं। और यहीं पे 125 mm पे एक और यानी एक इंच बड़ा दूरी कर देंगे। जैसे 100 mm का हमारा केबल ट्रे है तो 25 mm हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं और फिर वहीं बगल में एक और मार्किंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरह से एक और मार्किंग कर लिए। अब ये इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये ड्राइंग में जो दिया गया है कितना दीवार से हमें हट करके मार्किंग करना है उतना हम मार्किंग कर रहे हैं। आप ड्राइंग को देख सकते हैं या ड्राइंग वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर ले रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट जितना मार्किंग करना है इन सब को मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे आप डिस्टर्ब, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन पहली बार होता है अगर आप पहले से काम नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ड्राइंग में आपको बता दिया गया है और यहाँ पे जैसे मार्किंग कैसे हो रहा है ये कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो जैसे वीडियो में आगे आप कंटिन्यू चलेंगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ पे किस लिए कौन सा मार्किंग किया गया है और ड्राइंग के हिसाब से तो आप समझ ही जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे फाइनली जो मार्किंग करना था उन सबको हम कर लिए हैं, अब हमें करना होगा इसके अंदर ड्रिल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये केबल ट्रे है और यहाँ पे सामान है। तो सबसे पहले ये जो केबल ट्रे है हमारा 4 इंच का है, 100 mm का है। और ये जो केबल ट्रे है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये जो केबल ट्रे है हमारा 2.5 मीटर लंबा है और यही साइज आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रॉड है जो फुल थ्रेडेड रॉड है, यानी पूरा चूड़ी है इसके अंदर, और इसकी लंबाई की बात करें तो 2 मीटर का आता है और ये 8 mm का है। उसके बाद यहाँ पे ये ज्वाइंटर पत्ती है, जैसे ये केबल ट्रे में आप देखेंगे ये दो होल इस साइड है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे दो एंड में है, तो जहाँ पे ज्वाइंट करने की ज़रूरत होती है ज्वाइंटर पत्ती से किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ सामान है इन सबको समझेंगे। सबसे पहले ये फास्टनर है जो सेलिंग में लगाने के लिए रहता है, और इस फास्टनर में एक छोटा सा ये रहता है छर्रा अब कहे या जो उसका हुक कहे या लॉक करने के लिए। जैसे इसके अंदर ये हम लिए हैं 6 mm का बीट, इस तरह से डाल देते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए और लेते हैं फिर हैमर और यहाँ पे मारते हैं। ये क्या होता है सेलिंग में जा करके पूरा पकड़ लेता है, यानी फैल जाएगा तो पकड़ ही लेगा ड्रिल करके लगाएंगे। उसके बाद वाशर है, नट है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एंगल है जिसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से लगेगा ये एंगल सेलिंग में और इसी के ऊपर केबल ट्रे रखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है, उस चीज़ को भी आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारा केबल ट्रे है यहाँ पे आप जो एंगल देख रहे हैं इसमें 3 होल है, जैसे 2 तो रॉड के लिए हो गया, बीच में एक होल है वो केबल ट्रे लगा करके जो नट बोल्ट होता है इससे कसना होता है ताकि केबल ट्रे हमारा फिक्स हो जाए, इधर उधर नहीं जाए। उसके बाद पाना है जहाँ पे नट बोल्ट है उसे कसने के लिए, और ये ड्रिल मशीन है। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नट को हम हटाएंगे और जो टेप लगा
लगाए हैं उस चीज़ को थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। जितना लंबा हमारा फिसर है या हम कहें फास्टनर है उतना लंबा पे यहाँ पे टेप लगाना जरूरी है। ज़्यादा होल हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। इसके बाद यहाँ पे लील है और लाइन डोरी है, अभी जो हम मार्किंग किए हैं इसी से किए हैं। तो अब चलिए कुछ पॉइंट और भी आपको समझना ज़रूरी है, सिर्फ केबल ट्रे आसान नहीं है लगाना, अगर एक बार नॉलेज हो जाए प्रॉपर तरह से तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ड्राइंग को एक बार देख करके ये होल जो कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे दो होल हो गया ना दो एंगल के लिए रॉड के लिए। अब यहाँ पर तो हम एक होल करेंगे इस साइड, क्योंकि इस साइड हमारा कोई लोड नहीं है, डायरेक्ट जो होल है ना केबल ट्रे में उसी में एक एक रॉड को नट बोल्ट से कस देंगे और दो वहाँ पे होल करेंगे जहाँ पे लोड है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होल कर दिए और बिल्कुल सामने होना चाहिए, इधर उधर होल नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा होल कर दिए, ये लोड वाला एरिया है। अब इसके बाद जो हम होल करेंगे वो भी एक पॉइंट है, ड्रॉइंग में दिया गया है 2 मीटर का हमारा ट्रैक लाइट का ट्रैक पत्ती लगेगा, यानी ट्रैक यहाँ पे पट्टी लगेगा। तो ट्रैक पट्टी के लिए 2 मीटर सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे, जो आपका 2 मीटर जहाँ पे आ रहा है उसके बाद ही यहाँ पे कसेंगे, नहीं तो ट्रैक पट्टी कसने में आपको दिक्कत हो जाएगी, ट्रैक लाइट नहीं लग पाएगा प्रॉपर तरह से, फिर उसका हाइट चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना होता है और उसके हिसाब से ही यहाँ पे आपको ड्रिल करना होता है और जो भी रॉड लगाना है फास्टनर लगाना है वो लगाना होता है। तो मेजरमेंट में भी काफ़ी मायने रखता है कि कहीं पे भी ड्राइंग से काम हो रहा है तो मेजरमेंट, ऐसे भी विदाउट ड्राइंग से हो रहा है अगर आपको नॉलेज है और आपके हिसाब से काम हो रहा है तो भी बिना मेजरमेंट का कोई काम नहीं हो सकता है। तो मेजरमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फाइनली जो भी हमें ड्रिल करना था उन सब को ड्रिल कर लिए हैं, यानी होल हो गया है सेलिंग में। अब यहाँ पे हम फास्टनर लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर रॉड का एक मार्किंग हमें लेना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मेन काउंटर रहेगा और उसके अंदर कंप्यूटर रहेगा, इंटरनेट रहेगा, तो उसके लिए 2 कंड्यूट जिससे मैं टाइल्स लग रहा था नीचे हमने लगा दिया हुआ है। ये टाइल्स लगने के समय ही सिंपल है, 2 कंड्यूट है, यहाँ पे हमारा पाइप आएगा ट्रे से जो नीचे जाएगा और यहीं पे स्विच बोर्ड हमारा मेन होगा या मेन हमारा बोर्ड इसी के अंदर रहेगा, वो चीज़ आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 पाइप आएगा यहाँ पे। ज़मीन से जो हाइट है वो हम लिए हैं 10.5 फुट और 10 फुट परफेक्ट उसको चाहिए, यानी 3 मीटर चाहिए फर्श से हाइट लाइट का। सेलिंग से मेजरमेंट हम करते हैं तो यहाँ पे 17 इंच हमारा आ रहा है कि 17 इंच यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सेलिंग से डाउन केबल ट्रे, तो मिनिमम 2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 19 इंच का हमारा जो थ्रेडेड रॉड है ना केबल ट्रे लटकाने के लिए 19 इंच का होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट और हम आपको बता दें, 2 मीटर का एक हमारा यहाँ पर रॉड है तो 500 में हम कटिंग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1-1 इंच सब में बचेगा, तो हम क्यों नहीं 20-20 इंच कटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा नुकसान भी रॉड काट के फेंकना भी नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे तो 500 में का यहाँ पे हमने कटिंग किया है, 1 mm कम किए हैं, क्योंकि कटिंग में 1-1 mm हर जगह पे आपका ख़त्म हो जाता है, 1 mm 2 mm नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना आपको लटकाना है उससे 2 इंच बड़ा तो चाहिए ही, लेकिन अगर 1 इंच और बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट है डिमांड है कि नहीं प्रॉपर कटिंग कीजिए तो प्रॉपर साइज ही कटिंग करके लगा देंगे। यहाँ पे ये रॉड को हम कटिंग कर लिए हैं, एक साइड थोड़ा इस तरह से, एक चूड़ी को इस तरह से राउंड मोड़ लिए हैं ताकि कहीं पे नट कसने में दिक्कत नहीं हो, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे फास्टनर और उसके बाद यहाँ से रॉड एंगल इन सब को लेकर के चलेंगे नट बोल्ट वगैरह और लगाएंगे। एक रॉड में 3 नट 3 वाशर लगता है, तो 2 रॉड है तो 6 वाशर 6 नट हो गया और 1 एंगल लगेगा और 2 आपका फास्टनर लगेगा। और यहाँ पे हम बीट लिए हैं, हैमर लिए हैं, पाना लिए हैं, बीट के जगह पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सरिया हो सकता है जो 6 mm का हो, यानी इसके अंदर जो चूड़ी रहता है वो ख़राब भी नहीं होना चाहिए ठोकते समय। जैसे यहाँ पर हम लगा दिए, इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ये और इस तरह से इसको ठोकेंगे और प्रॉपर, कहने का मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि लूज रहे, फिर वो फैलेगा नहीं अंदर तो फिर वो मजबूत नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है या स्ट्रॉन्ग आपका सरिया है जैसे हम बीट लिए हैं एकदम आसानी से हो जा रहा है तो 2 से 4 बार में ये आराम से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे वाशर लगा रहे हैं, नट एक ऊपर है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कस रहे हैं,
इस तरह से ऊपर सबसे पहले हाथ से कस लेंगे, उसके बाद यहाँ पे दो नट लेंगे, नीचे कसेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पॉइंट, रॉड को फुल टाइट करने के लिए क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि इस तरह से नट को हम कस दिए दो, और इस दोनों को आपस में पहले टाइट करेंगे पाना से, जैसे यहाँ पे हम लगा दिए और इस तरह से इसको हम यहाँ पे टाइट कर दिए। टाइट कर देने के बाद ऊपर वाला पाना हटा देंगे और नीचे वाले से इस तरह से घुमाएंगे, कहीं पे भी लूज होगा ना रॉड तो फुल टाइट हो जाता है। अब ये फुल टाइट हो गया, अब इसके बाद जो ऊपर वाला है उस नट को कसेंगे। पहले ऊपर वाला नहीं कसेंगे, नहीं तो फिर आपका ये प्रॉपर तरह से रॉड कसाएगा नहीं और टाइट नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। तो यहाँ पे कस लिए, उसके बाद इस नट को खोल लेंगे, नीचे वाला निकल जाएगा, ऊपर वाला हमारा रहेगा, क्योंकि फिर हमें लगाना है यहाँ पे एंगल, तो नीचे ऊपर दोनों साइड से नट और वॉशर लगता है। तो यहाँ पे नीचे वाला हम खोल ले रहे हैं, इसी तरह से दूसरा वाला भी यहाँ पे रॉड लगा रहे हैं सामने। इस तरह से हमारा ये लग गया। नीचे फिर हम यहाँ पे दो नट लगाएंगे और फिर उसके बाद पाना लेंगे और यहाँ पे इसको प्रॉपर तरह से टाइट करेंगे पहले आपस में, उसके बाद फिर रॉड को घुमा करके टाइट करेंगे जिस तरह से एक टाइट किए। इसके बाद यहाँ पे इसको टाइट कर लेते हैं ऊपर वाला भी। उसके बाद मेजरमेंट टेप यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे जो ऊपर वाला नट है ना उसको एडजस्ट करेंगे, जितना हाइट हम लटकाना चाहते हैं ऊपर से उतना पे उसको करके, फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे नट लेंगे, वॉशर लेंगे और इसको कस लेंगे। बिल्कुल आसान है, इस तरह से कस लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को कसने के बाद फिर हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप से लेकर के इसको प्रॉपर आपका मेजरमेंट देख लेंगे कि कोई ऊपर नीचे तो नहीं, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे नहीं होना चाहिए, बीच का भी बराबर होना चाहिए, दोनों साइड भी बराबर होने चाहिए। और उसके बाद पाना लेंगे और नट को प्रॉपर तरह से फुल टाइट कर देंगे। तो ये तो हो गया एंगल वाला। विदाउट एंगल वाले में करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको रॉड लगा के कस लेना है, क्योंकि जो ट्रे का छेद है उसी के अंदर यानी जो होल है उसी में हम कस लेंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पे रॉड लगा लेना है, तो यहाँ पे हमने रॉड को लगा दिया है। इसी तरह से जितना होल है सबके अंदर फास्टनर लगाएंगे, रॉड लगाएंगे और इस तरह से लगा लेंगे। हम फाइनली सब में लगा दिए हैं, तो इस तरह से ये आपका लग गया। अब लगाने के बाद अब हमें केबल ट्रे लगाना है, तो केबल ट्रे लगाने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखना होगा। बहुत से जगह पे केबल ट्रे को कटिंग करना पड़ता है, बहुत से जगह पे बेंड भी बनाना पड़ता है, हाफ सेट बनाना पड़ता है, तो उसका भी वीडियो मैंने एक बनाया है किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे तो बेंड हमें नहीं बनाना है, एल्बो नहीं बनाना है, पर यहाँ पे जगह के हिसाब से केबल ट्रे में कटिंग करना है। क्रॉस है हमारा, इसलिए जैसे चलिए सबसे पहले ये दीवार से दूरी जो है कितना दूरी पे ये क्रॉस है उस चीज़ को देखेंगे। ये फ्रंट से हमें कितना दूरी हटा करके लगाना है और फिर 100 mm जरूर कट करेंगे, क्योंकि 100 mm का ही ट्रे इसके पार हो जाएगा यानी क्रॉस होगा, तो 100 mm की दूरी इसे यहाँ पे मेजरमेंट करके कटिंग हम कर रहे हैं एंगल ग्राइंडर से, और इस तरह से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जैसे ये कटिंग हो गया, अब कटिंग होने के बाद इसको फाइनली निकाल भी सकते हैं, और नहीं निकालना चाहते हैं तो अगर आपके पास उपलब्ध है उस तरह से सामान तो इसको थोड़ा फैलाना होगा, लेकिन ये हम आगे देखिएगा आपको ये फैलाएंगे नहीं, कटिंग करके बिल्कुल निकाल देंगे, लेकिन दोस्त शुरू में है तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं लगा करके, लेकिन इसको कटिंग करके निकाल दिया जाता है, एक तरह से सपोर्ट हो जाता है इसलिए कटिंग नहीं किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस तरह से हम लगाएंगे, सिर्फ रख देना है केबल ट्रे और सिर्फ नट एक एक लगेगा जो आपको कस देना है। बिल्कुल आसान है, सबसे पहले तो एंगल जो लगाना था, जो ड्रिल करना था वही मेन होता है। अब जैसे एक है हमारा लास्ट वाला, तो वहाँ पे क्या किए हैं, इस तरह से एक नट लगा दिया, रॉड जो लास्ट वाला है एंगल वाले को एंगल पे रख दिए हैं। ये हो गया हमारा इस तरह से, अब ये प्रॉपर हो गया हमारा फिक्स। अब इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट टेप से फिर हाइट देख लेंगे, ऐसा नहीं एक साइड केबल ट्रे ऊंचा है एक साइड नीचा है, उस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि कोई ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे एक है तो इस होल के अंदर से डाल करके इस तरह से हम कर लिए। अब यहाँ पे पाना से टाइट कर लेंगे, टाइट भी करना बहुत ज़रूरी है, अगर टाइट नहीं करेंगे फिर लूज रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, हर नट को टाइट कर लेंगे। अब इस तरह से लगा दिया, अब इसके आगे हमें लगाना है, तो इसके आगे जब हम लगाएंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए एक दो पॉइंट और हम आपको दिखाते हैं और लगाते हैं। तो सबसे पहले केबल ट्रे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्रॉस है फाइनली कटिंग करके हम निकाल दिए हैं, फैलाए नहीं हैं, देखिए दोनों टुकड़ा निकाल दिए हैं, तो इस तरह से भी निकाल दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल रोड तो रॉड पे चला जाता है और वही रोकता है। जैसे ये देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं, दो हमारा केबल ट्रे जा रहा है तो दो जगह कटिंग की। अब देखिए ये ट्रे यहाँ पे नहीं घुस पाएगा, तो यहाँ पे एंगल जो कसे हैं उसको खोल देंगे और लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हम एंगल को इस तरह से खोल दिए
और खोलने के बाद एक एक खोल करके घुमा सकते हैं, जैसे ये घुमा दिए फिर उसके बाद ये इसके अंदर डाल दिए, फिर नट बोल्ट से यहाँ पे कस लेंगे। तो बहुत सी जगह पे इस पॉइंट को भी एडजस्ट करके लगाना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह से हम लगा रहे हैं, ठीक है, लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर मेजरमेंट टेप लेंगे और हमें जो कसना है हाइट देख करके कस लेंगे, और एक दूरी ज़रूर हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना होगा। तो सबसे पहले जो नट है उसको कस लेते हैं मेजरमेंट प्रॉपर तरह से करके, जैसे यहाँ पे इस तरह से हमारा ये कस गया, फिट हो गया। इसके बाद इसकी दूरी पे, कितना दूरी पे ये क्रॉस हो रहा है उतना दूरी पे हमें कटिंग करना है, जैसे यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं बिल्कुल मेजरमेंट करके। और उसके बाद यहाँ पे एक केबल ट्रे को और जोड़ लिए हैं क्योंकि लंबा हमारा लग रहा है, और वहाँ पे जो हमारा है जैसे हम आपको दिखाएं तो फिर एंगल एक आ जा रहा है और फिर वो केबल ट्रे आपका लटक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना होता है। चलिए एक जगह पे हम रॉड लगाएंगे, जैसे यहाँ से हटेगा ना तो क्रॉस वाले जगह पे ये केबल ट्रे हमारा नीचे लटक जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कोई आप एंगल लकड़ी भी मजबूत रख सकते हैं, जैसे हमने रॉड रख दिया उसके बाद ये खींच दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो नीचे नहीं गिरेगा। और यहाँ पे जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट में नट बोल्ट डालेंगे और प्रॉपर फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ट्रे नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, फिर वो मजबूती नहीं आता है, पकड़ नहीं बनाता है। और जो भी नट है यहाँ पे डाल करके फुल टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस हो गया तो इस तरह से इसके बीच में एक नट बोल्ट डाल करके टाइट कर लेते हैं और इस तरह से केबल ट्रे लगा सकते हैं। हमने फाइनली पूरा केबल ट्रे को लगा दिया है क्योंकि इसमें सिंपल है कि क्रॉस जहाँ पे है क्रॉस कर देंगे, नहीं तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। यही चीज़ इसके अंदर करना है, कुछ है नहीं, सीधा सीधी है और सीधा सीधी यहाँ पे केबल ट्रे लग गया। जो हम जगह छोड़े हैं यहाँ पे, चलिए पेंट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये पेंट हुआ है सेलिंग वाला, अब जैसे कलर बाई कलर होगा वो लुक अलग आते जाएगा। अब चलिए लास्ट में हम चलते हैं, कुछ कॉर्नर में एक जगह छोड़े थे वहाँ पे ट्रायल रूम बन गया है। जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायल रूम है और ये सेलिंग में हमारा फाइनली लग गया है। अब हमें दीवार पे जो कंड्यूट है उसके बारे में सोचना है, यानी कटिंग करके लगा देना है ताकि वो अंदर चला जाए, अंडरग्राउंड हो जाए। जैसे ये ट्रायल रूम हो गया और इसके बगल में हमारा काउंटर रहेगा और हमारा यहाँ पे कटिंग करके पाइप डाल दिया जाएगा। जैसे चार पाइप हम डाल दिए हैं, दो पाइप को डायरेक्ट नीचे से हम मिला दिए हैं और दो यहाँ पे कुछ हाइट पे छोड़ दिए, क्योंकि जो स्विच बोर्ड रहेगा वो दीवार के साइड, वो भी रैक में एक काउंटर में रहेगा। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का वायर है वो आएगा, वायरिंग के समय इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो कंड्यूट लगाना था कंड्यूट भी हमारा लग गया स्विच बोर्ड के लिए, मेन बोर्ड के लिए, और सीलिंग में जो हमारा केबल ट्रे था वो भी हमारा लग गया, जो हमारा प्रॉपर तरह से यहाँ पे फाइनली हो गया केबल ट्रे का वर्क कंप्लीट। साथ में दीवार में जो काम करना था वो भी हम किए हैं। तो एक ये कंड्यूट हुआ और फ्रंट में पावर बोर्ड के लिए हमारा कंड्यूट ड्रॉप हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हम आगे चलेंगे सबसे पहले और दोनों साइड जो शटर है ना, शटर के राइट और लेफ्ट दोनों साइड हमारा कंड्यूट ड्रॉप हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। ये हमारा ट्रे से बस अटैच कर देना है, एक यहाँ पे पावर बोर्ड रहेगा, एक नॉर्मल सॉकेट, एक पावर सॉकेट, दो सॉकेट रहेगा। और ये ड्राइंग में मेंशन है एक, लेकिन हम यहाँ पे दो रहे हैं। पार्टी का कहना है कि नहीं वो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे बस ट्रे से करना क्या है, ट्रे से अटैच करके एक बेंड लगा के एक पाइप लगा देना है, यानी कंड्यूट लगा देना है और यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं, इसके अंदर पावर बोर्ड आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कंड्यूट का भी काम हो गया और केबल ट्रे का भी काम हो गया। तो बेसिकली इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से केबल ट्रे लगाया गया है और इसी तरह से हर जगह सेलिंग में लगता है।